नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं ऐलान-ए-जंग। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 16वां दिन है। इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले का 16वां दिन। दो हवाई अड्डों के पास बम धमाका। चर्निहिव सहित कई देशों में तबाही। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 16वां दिन है। यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सैनिकों के हवाई हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पिछले दो दिनों में यूक्रेन से करीब 1,00,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूसी आक्रमण और पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलने की अनुमति दे दी गई है। फिर से रूस ने कीव और खारकीव के साथ मारीपुयोल पर हमला तेज कर दिया है। लगातार हमले जारी हैं और रूसी सैनिक रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि पश्चिमी यूक्रेनी शहरों इवानो फ्रेंकिविस्क और लुत्स्क में हवाई अड्डों के पास रूस ने कई जबरदस्त बम धमाके किए हैं। दूसरी तरफ फेसबुक ने हिंसक भाषणों को लेकर अपने नियमों को अस्थायी रूप से बदल दिया है। रूस के अपने पड़ोसी पर आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा ने पश्चिमी सरकारों और व्यवसायों से अभूतपूर्व प्रतिबंधों के लिए उकसाया है। साथ ही इसे लेकर ऑनलाइन माध्यम से गुस्सा जताने में भी वृद्धि हुई है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चलते बाइडेन आयात पर भी टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि ये कदम संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से पुतिन पर युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास है। डेनिप्रो शहर पर रूस ने की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन का यूरी गागरिन स्टेडियम तबाह। यूक्रेन पर हमले के 16वें दिन भी रूस बमबारी रोकने को राजी नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के डेनिप्रो शहर पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। इस दौरान शहर को काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है। इसके अलावा रूसी हवाई हमले में चर्निहिव में एक स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहां पर भी रिपोर्टर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस स्टेडियम का नाम पहले अंतरराष्ट्रीय यात्री यूरी गागरिन के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा एक लाइब्रेरी की इमारत भी ध्वस्त हो गई है और कई इमारतों में तबाही मची है। रूसी हवाई हमले में चर्निहिव में एक स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो गया। लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं। खारकीव में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं और रूसी सेना पहले की तरह अभी भी अटैकिंग मोड में है। प्राइम टीवी के लिए अर्चना की रिपोर्ट। अटैकिंग मोड में है तो वहीं यूक्रेन भी अपने बचाव में लगातार युद्ध को बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हथियार उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसकी आशा भरी नजरें दुनिया के तमाम देशों पर है। 16 दिन बीत चुके हैं और अब इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।